गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज सुबह के बज गए हैं 8 बज चुके और अभी हम सो के जगह, तो अभी फ्रेश हुए। और आयाशी, उसको तो फीवर था तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, वो अभी छत पर है। और रोशन जी इधर सोए हुए हैं और ऐसे ही मैं सोचते कि जैसे तैसे भी करके रखे हैं बिछावन को। तो अभी हम जा रहे हैं छत पर और वहाँ पर क्या आज कुछ बनाने वाले हैं अच्छे से आप सभी को दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग पर बैठिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के हम छत पर, और आशी को देखिए, ये टीवी को देख रहे हैं क्योंकि टीवी कर दिया है बंद। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन एक बार फिर से। तो फर्स्ट टाइम हम मायके में बनाएंगे चिकन। और राशि को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए ओलझोल है, सो इसी की वजह से लाइट कम है। और राशि को क्या खाएगी, भूख लगी बेटा को, चावल दाल खाएगी? तो इससे चावल दाल भी, हाँ चावल दाल नहीं खिला सकता। चलिए चिकन लाइए, तब तक हम प्याज व्याज काट के रेडी करते हैं। तो ब्लॉग बनाने के लिए फाइनली सभी चीज़ यहाँ पर एक जगह कर लिया। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का कूट के मतलब सभी मसाला निकाल लिए हैं। और इधर हमारे देखिए जीरा, सूखा मिर्च, लहसुन और तेजपत्ता और पतरस। तो अभी हम गैस ऑन कर लेते हैं। हमारा गैस ऑन हो चुका है, तभी हमारा चिकन आ रहा है। धोने के लिए भी भेजे हैं तो धो के आएंगे। तब तक तो देखिए तब तक इतना कर देता क्योंकि चिकन इतना जल्दी धोता नहीं है, इसीलिए हमारा ये छोटा सा किचन है ना सा, क्योंकि इसमें ना मतलब मुर्गा विसैन मतलब चिकन जो है उसका विसैन विसैन बोला जाता है, तो वो नहीं हम लोग करते, इसलिए हम पहले ही काट के रख दिए। इसमें सारा मसाला है देख सकते हैं, तो अभी हमारा गर्म हो जाएगा। तभी चिकन तो हम छुए नहीं है तो इसीलिए भी हम कर सकते, तेल कहाँ पर है। तो अभी हम उसमें तेल ऐड करेंगे। अरे तेल तो है ही ना, है कहीं पर, बट हमें उतना पता नहीं क्योंकि किधर मम्मी रखती है पता नहीं। तो अभी हम खोजते हैं, उसके बाद आप सभी से, तब तक हमारा कढ़ाई जो है वो गर्म होगा अच्छे से। तेल ख़त्म हो गया था तो भाई हमारे लाए, तो अभी तेल हम इसमें ऐड करिए गर्म हो चुका है। तब इसमें हम पतरस ऐड करेंगे और हमारा अच्छे से हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था ना, इसीलिए तो गर्म हो चुका है हमारा पतरस। अब इसमें ऐड करेंगे ये सूखा मिर्च और जीरा, हम इसमें ऐड कर दिए हैं देख सकते हैं आप सभी अच्छे से। ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा तेल हीट हो गया तो जल्दी जल्दी अब इसमें ऐड कर दिया लहसुन 2 कलियाँ क्योंकि हमारा लहसुन जो है सिर्फ कम देते हैं क्योंकि गर्मी। और रोशन जी तो खाएंगे नहीं, मिस्टर को तो मना है, वो लहसुन मतलब वो चिकन वो नहीं खाते हैं क्योंकि डॉक्टर बोले हैं उन्हें सिर्फ आलू और रोटी खाने के लिए, गेहूं का रोटी, तो नहीं सिर्फ सब्जी रोटी देते हैं और चावल दाल भी देते थे, बट चावल अभी भी मना हो गया इसीलिए। और हमारा ये अच्छे से भुन चुका है तभी इसमें ऐड करेंगे प्याज क्योंकि हमारा अच्छे से जब तक भुनाएगा। और इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देते हैं क्योंकि नमक जितना देंगे उतना जल्दी हमारा प्याज ब्राउन कलर का होगा। उसके बाद हम ये ऐड करेंगे लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट। पेस्ट तो नहीं है बट कूटा हुआ है क्योंकि हमें पेस्ट वाला अच्छा लगता है, बट हम पेस्ट नहीं किए हैं, बस सिंपली सा ऐसे ही किए। और ये हमारा नमक। और इधर हमारे किचन का सारा सामान है, छोटा सा रसोई घर में बनाए फर्स्ट बार चिकन हम, तो आप सभी को हर एक चीज़ अच्छे से दिखाएंगे। और हम राशि को ना भेज दिया है, नानी लेके उसकी गई हुई है क्योंकि वो हमको देखती है ना, हम बोले मम्मी को क्योंकि ना हम ना मतलब जब भी मायके आते थे कभी हम खाना नहीं बनाते थे, तो मतलब हम ना आज मतलब हम बोले कि हम चिकन बनाएंगे क्योंकि हमें अपना मम्मी बनाती थी, उस दिन नहीं बनाई थी मम्मी, हम खाए हुए थे, हर बार आते मम्मी बनाती थी, तो इस बार बोले मम्मी हम ही बना देते हैं। तो मम्मी बोले ठीक है बनाओ, हम राशि को ले जाते खेलने के लिए, चलिए बने रहिए प्याज जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक। तो इधर हमारा चिकन भी धुल के आ चुका है, आप सभी को दिखाते हैं तब तक ब्राउन को।
और पहले थोड़ा सा हमको पानी निकाल के रखना पड़ा क्योंकि चिकन अगर छू ले तो फिर कुछ छू नहीं सकते ना, इसीलिए। तो हमारे ये प्याज अच्छे से भुना चुका है, देख सकते हैं आप, अच्छे से कलर आ चुका है। तब इसमें ऐड करेंगे हम फूटा हुआ जो भी पेस्ट है वो। पहले तेल को थोड़ा साइड कर लेते हैं, मतलब सॉरी प्याज को थोड़ा साइड कर लेते हैं। और हमारा चिकन देखिए यहाँ पर धुल के आ चुका है। अब इसे अच्छे से थोड़ा देर भुनने देंगे, उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखिए हम अच्छे से मिक्सिंग कर दिए, उसके बाद ये थोड़ा देर और इसे 2 मिनट चलाएंगे, उसके बाद ये चिकन इसमें ऐड करेंगे। चलिए 2 मिनट के बाद मिलते हैं। चलिए मेरा ये अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। चलिए एक बार और चला लेते हैं, एक बार और चला ली इसीलिए। चलिए हम चिकन ऐड कर रहे हैं, तो चिकन भी ऐड हो चुका है। एक सेकेंड हमें ना, मतलब ये यहाँ से नहीं हो रहा, तो हम जिस हाथ से मोबाइल पकड़े उस हाथ से कुछ होना पड़े। तो हाँ धो लिए, इधर से ना ब्लॉगिंग थोड़ा अंधेरा टाइप का था, इसीलिए हम ना नहीं कर रहे थे। तो हम इसे अच्छे से भूनेंगे, एक से 2 मिनट ऐसे अच्छे से चला लेंगे। तो इसके बाद अभी इसे अच्छे से अभी ढक देंगे, फिर 2 से 3 मिनट इसे ढकेंगे, उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप इसको, हर एक प्रोसेस दिखाएंगे हम चिकन कैसे बनाते हैं। तो ना बीच बीच में से चला लिया करेंगे अच्छे से भुना है ना, फिर अच्छे से मतलब गर्म हो गया था इसीलिए, और बीच बीच में इसे अच्छे से। तब इसमें ऐड करेंगे हम नमक चिकन छिली, तो अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। मेरा तो ऑलरेडी मतलब हम इतना नमक देते हैं हमें कैसे पता है, इसलिए हल्का कम ही कर देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा नमक पड़ जाता है तो उसमें खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और हल्का कम नमक रहता है तो वो खाया जाता है। तब इसे अच्छे से 2-3 बार चलाएंगे और अच्छे से इसे ढक देंगे। उसके बाद थोड़ा तो इसे हम अच्छे से मिक्सिंग कर लिए, अब इसे अच्छे से ढक देंगे 5 मिनट के लिए पकने के लिए। तब तक के लिए सभी को कुछ क्या बताए ब्लॉग पर, आप सब बताए, आप सभी में से चिकन किनको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत जने होते हैं जो खाना मतलब चिकन नहीं खाते, इसीलिए। तो चलिए चिकन बनने का अब इसमें मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि नमक तो ऐड कर ही दिए, तो मसाला ऐड करेंगे उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे, ठीक है। बीच में चला लेते हैं, अब आ गया इसमें ऐड करने का टाइम हमारा मसाला। तो इसमें मसाला ऐड करेंगे हम पहले, ये देखिए हमारा मसाला, पानी दे दिए थे हल्का ताकि फूले। और कुछ लगा हुआ है इसमें पानी ऐड कर देंगे, उसके बाद दे देंगे। और ये अच्छे से पानी से हम दे रहे हैं कि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुना जाए, इसीलिए इसे। और इसे अच्छे से 1 मिनट तक चलाते हैं ऐसे, तो 5-6 मिनट तक इसे अच्छे से झाँप के रहने देंगे, क्योंकि अच्छे से हमारा चिकन जो वो मतलब घुल के सीजेंगे अच्छे से। और कलर अभी देखिए कितना अच्छा आ रहा है, और पता आप सभी को बताते एक बार हमारा रोशन जी को बुलाएं, ठीक है, बोले चलिए ब्लॉगिंग शूट करते हैं साथ में। बोलते नहीं हमें चिकन नहीं खाना तो हम क्यों जाए, हमें मेरा मन करने लगा चिकन खाने का, तो बोले कोई बात नहीं रहने दीजिए हम ही कर लेते हैं।
अब इसे अच्छे से 5 मिनट तक ढके रहने देते हैं, क्योंकि मीडियम हाथ में रखना है इसीलिए, ताकि मामा मसाला अच्छे से सीछे इसीलिए। और ये देखिए हमारे मसाले में कलर आना स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का सा कलर, इसका मतलब हमारा मसाला भुना रहा है। और ये जब तक पूरा कलर ना आ जाए तब तक अच्छे से भूनते रहिए चिकन को, क्योंकि मसाला जब अच्छे से फ्राई हो जाता है, मसाला जब अच्छे से फ्राई होता है तो उसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है। फिर हम दिखाएंगे इधर हमारा लेग टेंगड़ी तो मतलब उसका पैर और लेग के पीछा पता नहीं किधर है। अब इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा चिकन कितना यमी दिख रहा है। तो क्या करें, राशि भी रो रही थी तो इसीलिए आप सभी को आगे का फेस नहीं दिखा पाया, और लाइट भी कट चुका था। तो अभी इसमें हमें ग्रेवी डालने का जरूरत है, तो इसमें यानी कि रस डालेंगे। तो चलिए आप सभी को रस डाल के मिलते हैं। तो फाइनली हम इसमें जो ग्रेवी डाल दी है रस, यानी कि देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और मेरी राशि ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, सो इसीलिए उसको मतलब रखने में नहीं दिखा सके, सॉरी। तो फाइनली चिकन बनने के बाद आप सभी से मिलते हैं। तो फाइनली हमारे चिकन भी बन के रेडी हो चुका है, और हम खा भी लिए, और रोशन जी तो नहीं खाए बैठे हुए हैं, और राशि खेल रही है अभी, जस्ट खाए और खाने का सीन क्यों नहीं दे पाए, थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए, क्योंकि उस टाइम लाइट ही भाग गया था। और रोशन जी का तबीयत कैसा है पता है, कैसा है अभी? तबीयत बहुत ख़राब है। करना ही कुछ। हमारी राशि देखिए वहाँ पर खेल रही है। राशि, राशि इधर आ जा, इधर आ जा, मोबाइल वीडियो बना रहा है तुम्हारा, गिर जाएगी वैसे कर रही है नहीं की, आ जा जल्दी जल्दी, अभी गिर जाएगी। हमारी राशि देखिए कैसे कर रही है, तुम मुर्गा खाई लड़की मुर्गा खाई राशि, मुर्गा खाई सर से, हाँ मुंह से ना, इधर सुनो ना, मुर्गा खाई जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, पापा कहाँ, पापा पापा मुर्गा खाएगी हाँ लड़की। और राशि पापा वहाँ पर बैठे हो रहे हैं, यहाँ देखिए मुर्गा खाई तो कभी तो आप बोल रहे पापा को देख रहे हैं, क्योंकि पापा और बेटी नहीं खाई है चिकन, हम तो खा लिए इसीलिए। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग में बस यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉगों के लिए। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।